नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह सुबह से, और ये अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो आज की व्लॉग स्टार्टिंग हो चुकी है, और आज का जो मेरा पॉजिटिव थॉट्स है ना, वो ये है कि मतलब दुनिया कहते हैं ना कि ये उसके बहकावे में आ गया या उसके बहकावे में आ गया, मतलब किसी और के विचार हमें नहीं बदल सकते जितना कि हमें खुद पर बीती हुई जो भी होती है ना, कि हमारे साथ जो बीतता है वो चीज़ें हम पर ज़्यादा असर डालती हैं। कि अगर कोई भी काम हम अगर पर्सनल तरीके से करते हैं तो वो अपना इफ़ेक्ट जल्दी छोड़ जाता है, और वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो इसलिए दो लोगों के द्वारा कहे हुए विचार हमें नहीं बदल सकते, खुद पर बीतती है ना, तभी हमें सब कुछ याद आता है। तो आज है मंडे, मंडे का व्लॉग है मेरा ये। बीच में एडिटिंग नहीं हो पाई थी तो ये मैं अब डाल रही हूँ ये व्लॉग आज मंडे को। मैंने ना, जो मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया था कि मैंने सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रखे थे, और ये मैंने स्टार्ट किए थे जब सावन स्टार्ट हुआ था ना, तब स्टार्ट किए थे। तो मैंने सावन से ना हर साल 16 सोमवार के व्रत रखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरे वो व्रत अब पूरे हो चुके हैं, और आज मुझे करना था उद्यापन। तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे पहले उठ गई, और 4 बजे उठ के पहले मैंने सब्जी चढ़ा दी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे और लंच वगैरह नाश्ता वगैरह सब कुछ वो बना दिया, और साइड में खीर चढ़ा दी थी मैंने, और फिर झाड़ू पोछा किया, फिर नहा के आ गई। और अब यहाँ पर जो मैं बना रही थी ना कढ़ाई में, प्लेट में रखा हुआ दिख रहा है आपको, ये है चूरमा, जो कि भोलेनाथ का फेवरेट प्रसाद होता है जो कि हम व्रत में चढ़ाते हैं। तो ये वो है, और ये मैंने प्रसाद बना लिया है, और साथ में मैंने ये टिफिन में ना पंडित के लिए खीर निकाल ली है। और मैं अब जा रही हूँ मंदिर, बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको उठाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको उठा दिया तो वो भी साथ में जाने की जिद करेंगे। तो इसलिए चूरमे के ना मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं, जो कि 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ना इनको, एक प्रसाद चढ़ाते हैं, एक बांटते हैं, और एक गाय के लिए होता है। तो ये चूरमे के 3 पार्ट कर लिए हैं मैंने। और उद्यापन में ना ज़्यादा पूरे, जैसे एक होता है ना पूरा विधि विधान पंडित से वो करवाना, उस तरीके से नहीं करने वाली मैं, सिर्फ ऐसे करती हूँ कि जाके जो भी प्रसाद होता है ना खुद ही शिवलिंग पे चढ़ा देती हूँ, और पंडित को जितनी भी दक्षिणा देनी होती है वो देके, और जो खीर जैसे बनाई है तो एक टिफिन में खीर भर के ले जाऊँगी, उनको खीर दे दूँगी और दक्षिणा दे दूँगी, और बाकी प्रसाद अगर वो होंगे तो उनको बोल दूँगी वो चढ़ा देंगे, नहीं तो मैं खुद ही चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अब मैं फटाफट तैयार करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 8 बजे स्कूल भी पहुँचना है। वैसे तो आज स्कूल में बोल कही थी कि मैं आधा घंटा ना लेट आऊँगी, क्योंकि फिर अभी मंदिर जाऊँगी, तो मंदिर से आके फिर बच्चों को भी खड़ा करना है, उनको तैयार भी करना है, और फिर स्कूल भेजना है, फिर ये पूरे किचन फैल जाएगी तो इसकी भी सफाई करनी है, फिर मुझे घर आके भी पूजा करनी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे अभी मैं मंदिर जाने की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब जो भी हम ले जाते हैं ना, जैसे जल चढ़ाने के लिए उसके अंदर दूध जल और चीनी वगैरह जो कुछ डालते हैं वो सब कुछ ले लिया है मैंने, और चंदन ले लिया है। और मैं ना कल बेलपत्र तोड़ना भूल गई थी, बेलपत्र हमारे सामने पार्क में ही लगे हुए हैं, लेकिन कल तोड़ना भूल गई थी, और आज मंडे है तो मंडे को कहते हैं कि बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी वहाँ पे विराजमान होते हैं, मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास ना दिए नहीं थे, तो दिया वहाँ पे जला के रख के आना था, तो फिर मैंने इनसे कल रात मिट्टी के ये दिए मंगवा लिए थे। तो यहाँ पे इनके अंदर मैंने डाल लिया है घी, और माचिस भी रख ली है साथ में, और अब मेरी जाने की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए पहले हम मंदिर चलते हैं। Thank you.
वहाँ पे ना अभी आरती का टाइम ही था, पंडित जी आरती कर रहे थे, क्योंकि मैं सुबह सुबह पहुँच चुकी थी मंदिर, 6:30 बजे के आसपास पहुँच गई थी। तो आरती चल रही थी और उधर से मैं अपनी पूजा करने में लगी हुई थी, और एक दो बंदे और भी आ गए थे वहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि मंडे को सुबह सुबह भीड़ लगनी यहाँ पे शुरू हो जाती है। बाद हमारी पूजा हो चुकी है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर। तो घर पे जाके भी अभी मुझे पूजा करनी है, और यहाँ पे बारिश हो गई थी, सारा पानी हो रखा था रोड पे। तो अब हम आ चुके हैं घर, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया है और वो करने गए हैं ब्रश। तो इतने में यहाँ पे घर पे पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी जितनी भी मूर्तियाँ ना, उनको दूध से मैंने स्नान करवा दिया है। फिर यहाँ पे दूसरी थाली में निकाल के उनको मैं साफ पानी में फिर एक बार मतलब स्नान करवा दूंगी, और फटाफट पहले ये पूजा निपटा लेती हूँ मैं घर की। मेरी सारी मैंने मूर्तियां स्नान करा के और मंदिर को ना मैं अच्छे से पूरा साफ कर लिया था, सारी मूर्तियां बाहर निकाल दी थी और उनको साफ करके रख दिया है। तो यहाँ पे अब मैं जलाऊंगी दिया, जो प्रसाद चढ़ाना था मुझे वो भी मैंने चढ़ा लिया है, और पूजा मेरे घर पे घर की लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अब खाली जलाना है मुझे दिया। फिर ये आराध्या और शिवाय ना इतने में तैयार होके आ गए हैं, और ये नाश्ता मांगने के लिए आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट की, आरती दी भगवान को, खुद भी ली, और फिर इतने में ये आ गए। तो इनको मैंने अब लगाऊंगी मैं तिलक यहाँ पे। तो ये सब एक एक करके इधर आ रहे हैं, इधर कैमरा इधर घूमा हुआ है। तो इनको तिलक लगाया मैंने, और अब मुझे फिर किचन का काम स्टार्ट करना है, क्योंकि किचन भी पूरी फैली हुई है। इनके लंच भी नहीं बनाया मैंने, अभी लंच भी पैक करना है बना के, इनको नाश्ता भी देना है।
तो पहले ये काम निपटा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हम दोनों यहाँ पे हो चुके हैं स्टार्ट। इनको बोला है मैंने चाय बनाने के लिए और ये चाय बनाने में लगे हुए हैं, और उधर मैंने रोटी बनाना फटाफट स्टार्ट कर दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनको भेज दिया है मैंने, और दोपहर का खाना जो भी खाने का काम मेरा निपट चुका है गैस का। और अब मुझे किचन की सफाई करनी है। ये देखिए कितनी फैल चुकी है ये। तो अभी मैं बैठ के यहाँ पे मैं भी प्रसाद ले रही हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। चाय भी है और खीर ली है और प्रसाद लिया है मैंने, तो ये खा लेती हूँ मैं। उसके बाद मुझे करनी है किचन की सफाई, फिर तैयार होकर स्कूल जाना है। तो मतलब सुबह की वीडियो इतनी ही बनेगी मेरी, बाकी मैं आके आपसे मिलती हूँ।